खुशखबरी ये है कि सब्जियां मिल गई हैं और सब्जी बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बहुत ही आला और उम्दा सब्जी बनने वाली है। सबसे पहले मैं मटर काट रहा हूं, मैं मटर काट लू फिर बताता हूं। मैनू मटर कट दे नू सोनी है याद तेरी आ गई, मेरी सब्जियां वाली वीडियो नी मैं सुनिया इंस्टाग्राम ते जागी। आओ मैनू मटर कट दे नू। सो मटरों का क्या बनने वाला है, आप मेरे साथ बने रहे, आपको अभी बताते हैं इसका क्या बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं, हमें आज सब्जी मिल गई है, हमें मटर भी मिले हैं, पनीर भी मिल गया है, आलू भी मिल गया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पहली बार हिस्ट्री में आलू मटर पनीर की सब्जी। और ये हमने अपने जो मसालों को वो सोशल डिस्टेंसिंग दे रखी है, ये थोड़ा मेरी बात कम मानते हैं, जीरा और एस फोर्टीटा इनको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, बाकी तो सब मेरे कहने में है। और बात मैं एक और बता दूं, आज एक और मुद्दा उठा था कि दिलजीत शायद ये मसालों वालों से पैसे ले रहा है, तेल वालों से पैसे ले रहा है, इसलिए वीडियो बना रहा है। तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, हालांकि घर में बैठ के कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कल को मुझे पैसे कोई देगा तो मैं वो भी यूज करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो वीडियोस बन रही हैं ये मेरे फैंस के लिए बन रही हैं। और नहीं तो मैं ऐसे भी बना के खा सकता हूं, मैं अपना टाइम भी स्पेंड कर रहा हूं, अपने फैंस का भी जो है वो दिल बहला रहा हूं। सो किसी के लिए ऐसा हार्ड फीलिंग्स नहीं है, सबको बहुत बहुत प्यार है। गाइस हमने आग लगा दी है, पर जहां लगानी चाहिए वहीं लगाइए, इधर उधर नहीं लगाई है। मैं ये पहले भी बात बताता रहता हूं, डोंट लगाइंग द आग इधर उधर, जहां लगानी है वहीं लगा दो। सो अब हम अपने वर्क, मुझे नहीं पता भाई ये किस कंपनी वाले कौन है, ये किसका तेल है, मेरे पास यही है इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूं, अदरवाइज आई लाइक सरों का तेल, बट मैंने कोई पैसा नहीं लिया किसी से भाई। हाँ कल को मुझे पैसा देगा तो मैं ले भी लूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो इल्जाम था बिल्कुल गलत था, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने तो पहले बताया यार इनका ढक्कन जो है वो बहुत खुला है, इसको पीड़ा करें। हाँ जी, सो गाइज हम छोड़ो यार मैं किन चक्करों में फंस गया हूं, इसमें थोड़ा सा तेल वर्जिन ऑयल डाल लेते हैं और उसके बाद हम अपने पनीरों को थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे ताकि जब ये सब्जी में जाए तो कड़ा ना बन जाए। यस, हमने पनीरों को सीट के इनकी सोशल डिस्टेंसिंग कर ली है और ये देखो ये पूरे पफे मार रहे हैं और मेरे पनीर ब्राउन ब्राउन हो गए हैं, थोड़े ज्यादा भी हो गए बीच में, पर इट्स ओके, इट्स अवर पनीर अवर सब्जी अवर रूल। मैंने काट के उधर रख दिया है, इधर थोड़ा सा सरफेस में ऑयल ऑयल बचा है तो मैं सोच रहा हूँ इनको मैं फजूल मत जाने दूं, वैसे तो मेरे आलू हो रखे हैं, लेकिन हम एक ट्राई और कर सकते हैं कि इन आलुओं को सीट के इसमें काट लेते हैं, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, आप सीट के काट भी सकते हैं, अगर आप हमें लगेगा कि ये जलने लगे हैं तो फिर हम इनको काट लेंगे जल्दी से। ये मैं तजर्बा पहली बार कर रहा हूं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे सब्जियों से प्यार हो गया, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है, मैं सब्जियों से मोहब्बत करने लगा हूं। हो आलू दी ब्यूटी कमाल कुड़े, चलो इसको काट लेते हैं, हमें बहुत पंगे नहीं लेते हैं। इसे आग लगा दी है लेकिन सही जगह पे और तेल इसमें सूट दिया है, इधर ये दोनों ब्राउन ब्राउन हो रखे हैं, क्या बात है, आलू भी ब्राउन मेरा पनीर भी ब्राउन, मटर पा के अज भी सब्जी बनाओ, देखो कैसी सब्जी बनती है पहली बार इन हिस्ट्री ऑफ द दसांजा वाला किचन। गाइस अगर आप तो मेरी ये जो रेसिपी है बाद में भी देखना चाहते हैं ना, तो फेमस स्टूडियो का पेज है इंस्टाग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लें, उस पे सारी रेसिपीज हैं। ओ हो, आज एक मैसेज आया था कि यार वेयर इज योर चोरलू, सो चोरलू इज हियर ब्रो, वी हैव एनी ओही बिलो टाइम, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। चलो जी और जीरा ते एस्पोटीडा इसमें ईडा, तो जी दोनों बीच में कैसे चोल मोल हो रही है, हम प्रेमी वो प्रेम करना जाने, क्या बात है। तो जी हल्दी जीरा पाउडर ते लाली इतने चल गई ने, सो हल्दी पाके थोनू बटना भी ला दिए, जीरा पाउडर बिच बिच बमला दिए। लो जी टमाटर ते मर्चा की जी बनाई सी आप प्यूरी, वो आप पाती पूरी, सो चार टमाटर ते दो मर्चा की प्यूरी आप सूट दीती है। लो जी अदरक ते लसन की जी पेस्ट आ, बस कर
चल बस कर बात ही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, तेल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे। और आप मजे की बात और बताऊं आपको, जीरा और ऐश पुटीटा भी नजर नहीं आ रहे हैं, दोनों प्रेमी कहीं खो गए हैं। ऐसे भी प्रेमी कहां दुनिया को नजर आते हैं, या फिर प्रेमियों को लगता है कि वो दुनिया को नजर नहीं आते, लेकिन आज सच में हमारे दोनों प्रेमी यहां नजर नहीं आ रहे हैं। हम मसाले को पाके कड़छी थोड़ी खींचे, कड़ाई में दो प्रेमी रहते हैं। ओह सॉरी, आप हमारा बीट मत बजाएं साथ में, कहीं मसाला आपके मुंह पे ना आ जाए। सो बीट, हाँ गाना आप गा सकते हैं लेकिन बीट पे थोड़ा परहेज करें। अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। मटर जी, मटरों से हमारा मसाला चिपक गया है। वैसे तो मैं H2O बाद में डालने वाला था, लेकिन इन्होंने तो सारा मसाला। मुझे लगता है मटर ज्यादा पड़ गए हैं, तो अभी से थोड़ा सा H2O डाल देते हैं। वैसे डालना नहीं था लेकिन आप डाल दें अगर आपको लगे कि आपके मटरों ने आपके मसाले को काठा कर लिया है। क्या रंग आया यार मटरों से, आई लव मटर्स, क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे मटर। और अब हम इसमें, मुझे लगता है कि वैसे तो मटर अभी थोड़े कच्चे हैं, थोड़े, लेकिन हमारे पास आलू भी जो है वो मैंने ज्यादा नहीं उसको पकाया था, मतलब उबाला नहीं था ज्यादा, माइक्रोवेव में किया था, तो इसको भी सीट के नाल दी नाल पका लेते हैं, कहीं मटरों का कड़ा ना बन जाए। आलू मैंने इसमें सीट दिए हैं और ये तो सूखी मटर आलू की सब्जी तैयार भी हो गई है। चाहे इसमें आप अभी से नमक डाल के और ऊपर से धनिया फूंक के बस 2 मिनट पका के खा लें, अगर आपने आलू पहले उबाला हुआ है। अगर आपने मेरी तरह आलू को थोड़ा कम उबाला है तो 2-3 मिनट और लगा लें। सब्जी बनानी इज नॉट अ बिग डील, ये एक आर्ट है, और आप मेरे साथ साथ, मैं आपके साथ साथ, हम सब आप ये सीख रहे हैं। लीजिए, मैंने इसमें H2O और डाल दिया है 1 कप। इसको मैं बाद में डालूंगा क्योंकि इसका कड़ा बहुत जल्दी बनता है। हाँ, ये आप इसको अगर आपने पनीर डालना है तो थोड़ा रुक के डालें, बिल्कुल लास्ट में, इसका कभी भी कड़ा बन सकता है। सो बीच में बैटरी डाउन हो गई थी भाई, इट्स ओके। हमारी, मेरी बैटरी तो नहीं डाउन हुई ना, यस यस, हमारी बैटरी डाउन नहीं है, पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है। मैंने इसको भन के देख लिया है, हमारे आलुओं में पूरी सॉफ्टनेस आ गई है और हमारे मटरों में भी पूरी सॉफ्टनेस आ गई है। अब हम इसमें H2O भी गायब हो गया, थोड़ा डालना पड़ेगा थोड़ा। अब हम इसमें जो अपने पनीर के पीस है वो डाल देंगे। और चकला पनीर दे पीस वे, कौन करूं दसान जाले तेरी रीस वे। लो जी, पनीर के पीस भी हमने इसमें सीट दिए हैं, अब हम इसको भी लपेट देंगे। जी H2O हमने फिर से डाल दिया है, आप जितना इसको पतला करना चाहते हैं H2O डाल के 2 मिनट के लिए पका लें। जब उसके ऊपर पुड़पड़े से आ जाए ऐसे पड़पड़ करके, तो जैसे हमारे पुंगड़े बनने लगे, आप समझो आपकी सब्जी तैयार है। इधर पड़पड़ना स्टार्ट हो गई है और इधर हमारे पास 2-3 चीजें पड़ी हैं। मेथी पड़ी है, ये मैं डालूंगा, और सूखी मेथी, और धनिया मैं बाद में भूंगा।